कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी अपनी विरासत बचाने और चुनाव प्रचार को तेजी देने के लिए अमेठी में हैं। इस दौरान वो बड़ी जनसभाओं से लेकर छोटे जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर रही हैं। उन्होंने चुनाव को गति देते हुए अमेठी के सालौन और तिलाई विधानसभा में जनसंपर्क किया। इस दौरान मटका, कमलागंज, सलौन, परशेदपुर, डीही, नसीराबाद, परियान, मकसार और गांधीनगर समेत कई जगहों पर उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की। इसी दौरान एक युवा के साथ प्रियंका की बातचीत खूब वायरल हो रही है। पहले आप वो वायरल वीडियो देखिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आज आगे राजीव गांधी जी की मूर्ति वहाँ पे आप माला अर्पण करते, मेरे पिताजी थे तो वहाँ पे हरदम प्रोग्राम होता था, इस बार नहीं है तो नहीं हुआ है। दरअसल ये वीडियो नसीराबाद की एक नुक्कड़ सभा का है, जहां प्रियंका गांधी लोगों को संबोधित कर रही थी। प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा, आपकी सेवा की परंपरा निभाते हुए हमारा पूरा परिवार आपसे जुड़ा रहा। ये जुड़ाव राजनीतिक नहीं बल्कि पारिवारिक रहा है। आपका हमेशा समर्थन और प्यार मिलना ही कांग्रेस की शक्ति और विश्वास है। आपके प्यार ने हमेशा मजबूत बनाया और हमारे सेवा भाव ने आपको मजबूत बनाया। मेरे पिता, मेरी माता और फिर मेरे भैया ने आपके विकास के लिए काम किया, लेकिन कुछ सालों से राजनीति बदल गई है। पहले राजनीति के केंद्र में सेवा भाव था, देशभक्ति थी। इसके बाद युवक ने आकर प्रियंका से बात की। युवक ने कहा कि पास में मौजूद स्वर्गीय राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण आप करें। इस अपील के बाद प्रियंका गांधी भागते भागते वहां पहुंची और मूर्ति पर माल्यार्पण किया। वहीं जनता से संवाद करते हुए उन्होंने आगे कहा, आज हमारे प्रधानमंत्री सबसे बड़े कायर हैं, क्योंकि नेता का धर्म होता है सवाल का जवाब देना। इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। अगर आप नाराज होते हैं तो नेता का फर्ज है कि वो झुके और आत्मचिंतन करे। आज के नेता इतने अहंकारी हो गए हैं कि सवाल ही उठाने नहीं देते। आज सबको डराया जा रहा है। स्कूल के बच्चे बता देंगे कि जो डराता धमकाता है वही कायर होता है। मटका में प्रियंका गांधी ने कहा, पिछले 10 सालों में जितने अमीरों के लोन माफ किए गए हैं, अगर एक अंश भी आपके ऋण माफ में लगाया जाता तो शायद आपके जीवन की दशा सुधर गई होती। आपकी आय दुगनी भले ही नहीं होती, लेकिन कम से कम आपकी आय बढ़ती। ये लोग बेरोजगारी और महंगाई जैसे जनता के जुड़े मुद्दों पर बात नहीं करते। अगर कांग्रेस की सत्ता आई तो जो कहा है वो पूरा होगा। नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ग्रेजुएट को 1,00,000 रुपए दिए जाएंगे। अप्रेंटिस के साथ जब तक उसकी स्थायी नौकरी नहीं लगती तब तक उसे हर महीने 8,000 रुपए दिए जाएंगे। प्रियंका ने कहा कि उनकी पार्टी का अमेठी के लोगों के साथ सालों पुराना नाता है। जब मैं अपने पिता के साथ चुनाव प्रचार के लिए पहले आई थी तो हम अपने काम पर आपसे वोट मांगते थे, विकास के नाम पर वोट मांगते थे। हम आपसे कोई फिजूल की बात करके वोट नहीं मांग रहे। प्रियंका ने आगे कहा, हम आपसे भगवान के नाम पर वोट नहीं मांगते, ना ही भगवान की कसम दिलाकर आपसे वोट देने की बात करते हैं। आज तो भगवान भी चाहेंगे कि आप जागरूक बने। हम आपसे झूठ बोलते नहीं हैं। ये कहने नहीं आए कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, ये नहीं कि 15,00,000 रुपए आपके खाते में आ जाएंगे। हम ये झूठ नहीं कहने आए कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, बल्कि हमने विकास किया है वही करने आए हैं। राजीव गांधी जिसने दिन रात एक किया आपके लिए काम करके दिखाया, यहाँ अमेठी क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग लाए, कितना विकास किया कि पूरा देश देखता था अमेठी की तरफ कि ये प्रधानमंत्री का क्षेत्र है। वो इस देश के लिए शहीद हुए तो आपके बड़े जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं रोए, उनको दुख हुआ कि उनका एक भाई, उनका एक बेटा शहीद हो गया था। आज उस शहीद बेटे को भी ये देशद्रोही बोलते हैं। हमने परियोजना शुरू की यहाँ की महिलाओं के लिए, तमाम महिलाओं का फायदा हुआ। उन्होंने कहा कि हमने परियोजना इसलिए शुरू की कि आपकी जमीन लूटने के लिए। कौन सी जमीन लूटी है, कौन सी जमीन है हमारी यहाँ?
पुश्तों से हम आपके लिए काम करते चले आ रहे हैं, सेवा करते चले आ रहे हैं। एक शहीद हुआ, दूसरा खड़ा हुआ, दूसरा शहीद हुआ, मेरी माता जी खड़ी हो गई, वो आपकी सांसद बनी, उसके बाद मेरे भाई आपके सांसद बने। कहां का प्रमाण आपके आंखों के सामने है, जहां जहां आप अमेठी में आज भी उद्योग देखते हैं, वो किसने खोला? भाजपा ने एक भी नहीं खोला, एक भी ऐसा विकास का काम नहीं किया जो आपके सामने लाकर उसके लाभ पर आपसे वोट मांग सके। इसीलिए चुनाव के समय यही फिजूल की बातें हैं, यही आपको आपस में लड़ाना झगड़ाना, यही धर्म के नाम पर आपसे वोट लेना, आपको गुमराह करना। मैं सिर्फ ये कहने आई हूँ, पहचान लो, जागरूक जनता हो, हमेशा रहे हो। आजादी के समय से सारे आंदोलन यही इन क्षेत्रों में शुरू हुए। किसान खड़ा हो जाता था अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ, गरीब था, कुछ नहीं था, जो आज गरीब के पास है उतना भी नहीं था, लेकिन खड़ा हो जाता था। हमेशा न्याय की लड़ाई लड़े हो, हमेशा लोकतंत्र की लड़ाई लड़े हो, हमेशा ऐसे नेता इस क्षेत्र में आए हैं जिन्होंने सेवा करके दिखाया है, जो आपका सम्मान करते थे, आपका आदर करते थे। सोनिया जी गांव गांव में गई हैं अमेठी की, मैं गई हूँ, मेरे भाई गए हैं, आपको रोजगार दिलवाया, आपके विकास का हर काम करवाया जो हमारे हमारी क्षमता में था। तो पहचानो कि आज जो राजनीति आई है झूठों की राजनीति है, यहाँ सच्चाई की राजनीति एक बार फिर स्थापित करो, यहाँ लोकतंत्र ठीक तरह से एक बार फिर स्थापित करो।